भारतीय रेलवे और भीड़, इन दोनों शब्दों का चोली दामन का साथ रहा है। भारत की ट्रेनों में भीड़ होना एक आम बात है। पहले कंफर्म टिकट की मारामारी और फिर किसी तरह टिकट मिलने के बाद सफर के दौरान मुश्किलें। पिछले कई दशकों से रेल मुसाफिरों की यही कहानी रही है, लेकिन वक्त बदला और सोशल मीडिया का जमाना आया तो अब रेल यात्रियों का सफर भी आसान होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश आसान सफर। जी हाँ, अब रिजर्वेशन कोच के यात्रियों का सफर आसान होने जा रहा है। दरअसल उनके सफर को आसान बनाने के लिए मध्य रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। मध्य रेलवे ने अब वेटिंग और अनारक्षित टिकट पर रिजर्वेशन कोच में यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी है। आपको बता दें कि यह नियम पहले से ही लागू था, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बिना कंफर्म टिकट के रिजर्वेशन और एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को अब उतार दिया जा रहा है। मध्य रेलवे की तरफ से रेलवे पुलिस और टीसी को ये हिदायत दी गई है कि यदि कोई भी यात्री बिना टिकट के रिजर्वेशन डिब्बे में यात्रा करता है तो उसे ना सिर्फ रोका जाए बल्कि उससे जुर्माना भी वसूला जाए। वहीं अब बिना वैध टिकट के सफर करने वाले यात्रियों को अब रिजर्वेशन कोच से उतारा जा रहा है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं इस पूरे फैसले को लेकर क्या कुछ कहना है मध्य रेलवे के पीआरओ का। इसमें मध्य रेलवे ने जिन यात्रियों के पास में कंफर्म टिकट है उनकी सुविधा के लिए उन यात्रियों को जिनके पास की कंफर्म टिकट नहीं है या जो वेटिंग टिकट या जनरल टिकट लेके रिजर्व्ड कोचेस में से यात्रा कर रहे हैं उनको ट्रेनों में से उतारने का प्रयास किया गया है। इसमें जो रिजर्व्ड पैसेंजर्स हैं उनकी बार बार ये कंप्लेन रेलवे को भी, मध्य रेलवे को भी और मध्य रेलवे के सारे मंडलों को भी, इवन रेल मिनिस्ट्री को भी आ रही थी कि जो कंफर्म टिकट होने के बावजूद वो यात्री अपनी सीट तक नहीं पहुंच पा रहे थे या अपने यात्रा के दरमियान उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि वो अब कभी टॉयलेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या अपनी सीट पे पूरी तरीके से लेट नहीं पा रहे हैं। जो यात्रा करनी है, जो सुखद यात्रा का एक परिमाण हमने बनाया है उस परिमाण तक वो यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए उनकी कई बार कंप्लेंट्स को सामना हमें करना पड़ रहा था। अब इसके चलते मध्य रेलवे ने जो पहले से नियम थे उनका प्रभावी तरीके से अपनाना शुरू किया है। जिन यात्रियों के पास में, अगर हम लोग वेटिंग टिकट की बात करें, तो अगर आपका ऑनलाइन बुक किया हुआ वेटिंग टिकट है तो वो जैसे ही चार्ट प्रिपेयर हो जाता है और अगर कंफर्म टिकट नहीं होता है तो उसके पैसे आपको ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाते हैं और वो टिकट कैंसिल हो जाता है। साथ ही साथ में रेलवे ने ये सुविधा उन लोगों को भी दी गई है जिनके पास में, जिन्होंने विंडो से टिकट लिया है और जिनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है वो भी अपना टिकट जो है वो विंडो पे कैंसिल कर सकते हैं। अब इसमें कई बार ऐसा हुआ करता था कि कई सारे यात्री रिजर्व कोचेस में इसी टिकट के आधारे यात्रा करते हैं, किंतु अब ये चीज हमने कम कर दी है। अब हमारा यात्रियों से अनुरोध है कि जब तक आपके पास में रिजर्वेशन कंफर्म नहीं है, सीट नंबर नहीं है, तब तक आप कृपया इससे यात्रा ना करें, ताकि जिन यात्रियों के पास कंफर्म रिजर्वेशन है वो अपनी यात्रा सुरक्षा सुविधा। तो ये थे मध्य रेलवे के पीआरओ जिन्होंने इस पर पूरी जानकारी दी। रेलवे की तरफ से रिजर्वेशन टिकट को लेकर यात्रा करने वाले मुसाफिरों का सफर आसान बनाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल बीते दिनों कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसमें ना सिर्फ रिजर्वेशन कोच में खचाखच भीड़ दिखाई दी थी बल्कि सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी भी हो रही थी। लोग अपनी सीट पर तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, यदि यात्री अपने सीट पर पहुंच भी जाते थे तो उन्हें टॉयलेट जाने या फिर रेलवे स्टेशन पर उतरने में तकलीफ होती थी। भीड़ के चलते कई यात्रियों की ट्रेन भी छूट गई थी, जिसको लेकर मध्य रेलवे, भारतीय रेलवे और रेल मंत्री से लगातार यात्रियों द्वारा शिकायत की गई थी। वह यात्रियों की शिकायत पर अब रेल प्रशासन जाग गया है और उनके सफर को आसान बनाने के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है। वैसे यदि हम भारतीय रेलवे की बात करें तो पिछले एक दशक में काफी कुछ तस्वीरें बदली है। यात्रियों का सफर आसान बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, नई नई ट्रेनों को चलाया जा रहा है और अब तो वंदे भारत जैसी ट्रेन भी पटरी पर दौड़ने लगी है।
वहीं अब हम आपको सुनाते हैं कि रेलवे के फैसले को लेकर मुसाफिरों ने किस तरीके से प्रतिक्रिया दी है। अभी जो हाल ही में अभी कल पता चला कि जो वेटिंग टिकट है वो वेटिंग टिकट पे हमें कोच में बैठने नहीं दिया जाएगा। हमने टीसी से भी बात किया था, टीसी ने इतना बोल दिया कि हम तो बैठने दे देंगे, लेकिन जब आरपीएफ को ऑर्डर आया है कि जो भी वेटिंग टिकट है उनको बैठने नहीं जाएगा। सबसे पहले सरकार ने जो भी फैसला लेती है उसका जन जागृति करना चाहिए। सबसे पहले मेरा तो ये कहना है कि मुझे जो तकलीफ हुई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इतनी तकलीफ हुई कि वो बता नहीं सकते, लेकिन एक मेरा ये कहना है कि सरकार ने सबसे पहले ट्रेनों की संख्या, कोच की संख्या, वो सब चीजें बढ़ानी चाहिए। उनका कर्तव्य है कि जो यात्रीगण है, जो सिटीजन है, उनको सबसे पहले सुविधा दे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रूल लाके उनके ऊपर थोप दिया जाए। सबसे पहले तो मेरा नाम रोशन डोंगरे है, मैं नागपुर से आया हूँ। हम लोग पिछले दो दिन से आए हैं, कल हमें अर्जेंसी जाना था नागपुर में वापस, परंतु विषय ऐसा है कि हमारे पास रिजर्वेशन टिकट नहीं होने के कारण हमें जाने के लिए दिक्कत आ गई है। कभी कभी क्या होता है कि किसी की इमरजेंसी रहती है, वो तुरंत टिकट लिखता है काउंटर से और उसको सीटिंग मिली नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको जाना होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो लोग तकलीफ में रहते हैं उनके लिए दिक्कत का साधन बन गया है ये, रिजर्वेशन के अलावा कोई बैठ नहीं सकता है। दूसरी एक चीज़ है कि हमें कैसा पता रहेगा कि हमारी वेटिंग वाली क्लियर कब होगी। अब नहीं होगी इसका मतलब हम जाए नहीं, ये थोड़ा मुझे अलग लगा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जा रहा हूँ मुंबई से और कल हमारे साथ दो बार हो गया है। हमने वेटिंग टिकट निकाला था, दुरंतों की टिकट निकाला था, पर वेटिंग वो डिसॉल्व कर दिया। हमें पता ही नहीं था कि ऐसी कुछ अभी नया रूल और रेगुलेशन लगे हैं, इसकी जन जागृति करना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए। जैसा ये बज रहा है अभी रेलवे स्टेशन पे कि ये यहाँ से ऐसी रेलवे जाएगी, उसी तरीके से वेटिंग कैंसिल हो रही है, आपके पैसे मिलेंगे, वेटिंग निकालो मत टिकट, इसका जन जागृति होना चाहिए। क्या होता है अभी तो हम ठीक है, लड़के लड़के हैं, अगर हम अपने फैमिली लेके आ जाते सब बच्चे वगैरह तो दिक्कत हो जाती थी कि घर जाने के पहले वेटिंग कैंसिल, फिर आप जनरल निकालो और आप वेटिंग के रूम में भी नहीं बैठ सकते, रिजर्वेशन में भी नहीं बैठ सकते, एसी में भी एक्स्ट्रा जगह बैठ नहीं सकते, खड़े भी नहीं रह सकते। तो इससे क्या होता है आपको जनरल में जाना पड़ता है जहाँ ऑलरेडी भीड़ रहती है। तो ये थी यात्रियों की प्रतिक्रियाएं। आपको बता दें कि रेलवे के इस फैसले के बाद रिजर्वेशन कोच में यात्रा करने वाले मुसाफिरों का सफर भले ही आसान हो जाए, पर शायद मुश्किल हालातों और इमरजेंसी के दौरान सफर करने वाले मुसाफिरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे के फैसले को लेकर यात्रियों में नाराजगी भी देखने को मिली है, लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल लोगों का कहना है कि यदि किसी ने कुछ दिनों पहले वेटिंग टिकट निकाला है लेकिन उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है और यात्रा करना उसे जरूरी है तो फिर वह क्या करेगा। इस फैसले के बाद शायद अनारक्षित डिब्बों में अतिरिक्त भीड़ भी देखने को मिल सकती है। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला। राहुल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए, आवाज आ रही है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि पिछले कई दिनों से इस खबर को कवर कर रहे हैं आप, यात्रियों से भी आपने बातचीत की थी, बताइए हमें किस तरीके से वो लोग इस फैसले पर अपनी बात रख रहे हैं। जी बिल्कुल शारदा जी, जिस तरीके से हमने ये जो तस्वीरें दिखाई हैं वो सीएसटी रेलवे स्टेशन की है, वहां पर लगभग बहुत से ऐसे यात्री हैं जिन्हें वेटिंग टिकट लेकर वो यात्रा करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें यात्रा नहीं करने दिया गया। ऐसे में जो रेल यात्री हैं उनका कहना है कि हमें इसकी अवेयरनेस नहीं थी, हमें इसकी जानकारी नहीं थी। ऐसे में सरकार ने पहले ये निर्णय ले चुकी है कि जो वेटिंग टिकट है वो रिजर्वेशन डब्बे में नहीं बैठ सकते हैं, ऐसे में रिजर्वेशन जो पैसेंजर है उनको तकलीफें होती हैं। ऐसे में उन्होंने ये जो मोटिव है उन्होंने अभी से शुरू किया है। ऐसे में जो आरपीएफ हो या टीसी हो उनके द्वारा कड़क नियम लगाए गए हैं कि अब से जो भी रेल यात्री जो वेटिंग टिकट लेकर जनरल डब्बे हो या एसी के कोचेस में जाते हैं तो उन्हें वहां से निकाल दिया जाए। अगर उनके पास वेटिंग टिकट है तो उसे वह जाकर टिकट काउंटर से पैसे रिफंड ले सकते हैं, ऑनलाइन भी सुविधा है और वह टिकट काउंटर के पास जाकर ये सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर हम बात कर ले जो उत्तर प्रदेश या बिहार की ओर जाने वाले कुर्ला टर्मिनस हो, चाहे कल्याण स्टेशन हो या सीएसटी रेलवे स्टेशन हो, ऐसे में इमरजेंसी हालात में इन पैसेंजरों के हालात कहीं ना कहीं तकलीफ में होती हैं, उन्हें परेशानियां होती हैं और इस तरीके की चीजें जो है रेलवे स्टेशनों पर भीड़ भी लगातार बढ़ रही है।
यात्री जो है इमरजेंसी के दौरान जब वो जाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में उन्हें रेलवे में बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो कई बार देखेंगे तो स्टेशनों पे भीड़ हो जाती है या प्लेटफॉर्म पे भीड़ हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अधिकारियों से जब हमने इस पर बात की तो उन्होंने कहा कि हमने इसको सख्ती से नियम लागू किया है, आने वाले समय में वेटिंग पैसेंजरों को हम जनरल डब्बे में या एसी डब्बों में बैठने नहीं देंगे। अब अगर उन्हें कंफर्मेशन जिसके पास टिकट है वही रेल यात्री इन डब्बों में बैठ सकते हैं। निश्चित रूप से खासकर स्लीपर कोच की यात्रियों को राहत मिलने जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भीड़ काफी बढ़ जाती है। कई बार देखने के बाद समझ नहीं आता कि लोग स्लीपर कोच में सफर करने जा रहे हैं या फिर जनरल में। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस फैसले से जिन लोगों के मन में वेटिंग टिकट को लेकर सवाल उठ रहे हैं उन पर रेलवे का क्या कुछ जवाब है? जी, रेलवे ने जिस तरीके से हमें जानकारी दी है कि हम जो है अब कंफर्मेशन जिसके पास टिकट है उन्हें देंगे, ऐसे में सरकार की तरफ से रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक नियम और भी लगाया गया है कि अब जो वेटिंग पैसेंजर है भले वो नहीं रहेंगे लेकिन अब हम जो आने वाले समय में 2024 और 25 में 5000 ऐसे और रेल सेवाएं लोगों को देंगे जिनमें वेटिंग टिकट या जनरल की दिक्कत नहीं होंगी। 5000 रेलवे सेवा स्लीपर कोचेस और वेटिंग क्लास के जो डब्बों के लिए उनको लिए रहेगी। तो ऐसे भी जो उनकी परेशानियां हैं रेल यात्रियों को जो अभी देखने को मिल रही है वो तकलीफें खत्म हो जाएंगी। ऐसे 75वें अमृतकाल उत्सव के दौरान लगभग 2026 तक में 10,000 कुल ट्रेनें जो है वह भारत में चलेंगी और जगह जगह पर इन सभी चीजों को सुविधाएं देने की कोशिश करेंगी। इसके लिए चाहे वो ए फर्स्ट क्लास हो, सेकंड एसी की क्लासेस हो, स्लीपर कोचेस हो और जनरल डब्बे, इन सभी के लिए अलग अलग तरीके से सुविधाएं होंगी। ऐसे में जो रेल यात्री रहेंगे वो भी सफर कर पाएंगे और वो कंफर्मेशन टिकट भी उन्हें मिल पाएगी और रेल यात्रा का भी वो आनंद लेते हुए नजर आएंगे। इस तरीके की भीड़ को खत्म करने के लिए लगभग 4 से 5 साल का और समय लगेगा। सरकार जो है इस पर और भी कड़ी नियम लगाने की कोशिश कर रही है और भी लोगों को सुविधाएं देने के लिए कर रही है, लेकिन फिलहाल जो है इस तरीके के हालात जो है अभी भी स्टेशनों पर बने हुए हैं, अभी भी उनको उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो उन्होंने सरकार से ये उन्होंने अपनी विनती की है कि जो है डब्बे बढ़ाए जाए या फिर जो है रेल सेवाएं और भी अधिक बढ़ाने की कोशिश की जाए। राहुल, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि रेलवे की तरफ से और क्या कुछ जानकारी दी गई है जो आप हम बताएंगे बाकी यात्रियों के लिए? बिल्कुल, जो है लगभग 2024, 25 और 26 तक लगभग अमृत उत्सव जो 75 वर्ष होने वाला है देश में, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रेल मंत्रालय के द्वारा लोगों को विशेष सुविधाएं देने की कोशिश की जाएगी और ऐसे में उनका कहना है कि 10,000 रेल सेवाएं जो है और भी भारत भर में ये सुविधाएं मिल पाएंगी और ऐसे में जो रेल यात्री है उनको इसकी सुविधाएं मिलेंगी। इसी को लेकर जो अभी फिलहाल जो वेटिंग को लेकर जो समस्याएं लोगों को हो रही है वो आने वाले जो समय है उनमें ये प्रकार की कोई भी समस्या लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। लोग आराम से कंफर्मेशन टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं, उन्हें वेटिंग टिकट लेने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने अलग से स्लीपर कोचेस और जनरल डब्बे के भी जो कोचेस हैं उसे बढ़ाया दिया जाएगा, ऐसी रेल सुविधाएं की जाएंगी, अलग से एसी ट्रेन की सुविधाएं की जाएंगी। इस प्रकार से अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल सेवाएं आने वाले समय में और भी तकनीकी सेवाएं देने की कोशिश करती हुई नजर आएंगी। ऐसे में जो फिलहाल अब आज की जो समस्या हो रही है उससे निदान कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में देखने को मिल सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। वैसे आपको बता दें कि जब भी ट्रेनों में भीड़ होती है और कोई बिना वैध टिकट के सफर करता है तो ट्रेनों में मौजूद टीसी उनसे जुर्माना लेकर टिकट बना दिया करते हैं और सफर करने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर रिजर्वेशन डिब्बों के यात्रियों का सफर आसान बनाने के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं अब देखना यह होगा कि वेटिंग टिकट को लेकर उठ रहे सवालों और फैले भ्रम को रेलवे कैसे तोड़ पाता है और यात्रियों को किस तरीके से समझा पाने में कामयाब होता है। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन24 न्यूज के साथ। मुझे यानी शारदा जायसवाल को अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।